नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मदरबोर्ड में अगर नो डिस्प्ले वाला मैसेज आपको दिख रहा है, मतलब आपके मदरबोर्ड में डिस्प्ले ही नहीं है, तो आप कैसे इस मदरबोर्ड को बायोस फ्लैशिंग के मदद से, मतलब नए तरीके से बायोस को इंस्टॉल करके कैसे आप मदरबोर्ड को ठीक कर सकते हो। तो आज हम इस प्रोग्रामर के मदद से बायोस को फ्लैश करेंगे, बायोस को इंस्टॉल करेंगे। जो बायोस अभी इस बोर्ड में चल रहा है उसको इरेज करेंगे और नए तरीके से बायोस को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर का नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है CH341A। जो प्रोग्रामर है इसके मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाला आपको बहुत ही सस्ते में आपको मार्केट से मिल जाएगा। मैं सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। आप अगर नए तरीके से मदरबोर्ड रिपेयरिंग शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ये वाला प्रोग्रामर है, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। इस प्रोग्रामर की मदद से आप नो डिस्प्ले वाला मदरबोर्ड जो है वो बहुत ही आसानी से आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए वही वाला हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले लाइव प्रूफ करके। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इस मदरबोर्ड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो चलिए इसके लिए हम मदरबोर्ड को ऑन करें। और देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी जो है हम लोगों को डिस्प्ले देखना बाकी है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके मदद से हम प्रोग्रामिंग करेंगे मदरबोर्ड को। तो इसका ही जो VGA डिस्प्ले है, VGA कॉर्ड यहाँ पे लगा के पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने VGA लगाया है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि अगर आपके बोर्ड में नो डिस्प्ले आ रहा है, मतलब कोई डिस्प्ले आपको शो नहीं कर रहा है, तो कौन कौन सा स्टेप आपको करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है और कैसे रिपेयर करना है। तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ स्टेप मैंने दिखाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप ट्रबल शूट करके मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जितना सारा स्टेप मैंने उस वीडियो में दिखाया है, सब कुछ टेस्ट करने के बावजूद आपको अगर डिस्प्ले नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका जो मदरबोर्ड का बायोस है, बायोस आपको रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो रिप्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों हम रिप्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वही हम इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए अभी जो है इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो प्रोग्रामिंग करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SMPS को यहाँ से खोल देंगे और पहले आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका जो बायोस है, बायोस कहां पर है। तो देखिए दोस्तों यहां पे SPI बोल के लिखा हुआ है, यही वाला बायोस है। तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। आप अगर इस प्रोग्रामर की मदद से बायोस को फ्लैश करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट मिलता है
यहाँ पे 25 पिन और 24 पिन का पोर्ट आपको मिलेगा। तो कैसे इसको आप मतलब इस प्रोग्रामर को कैसे आप असेंबल करोगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस प्रोग्रामर को असेंबल किया जाता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। तो अभी चलिए इस मदरबोर्ड को फ्लैश करके देखते हैं। तो इसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो इस पैकेट के साथ तो नहीं मिलेगा, इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी मैं डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सॉफ्टवेयर तो नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा, सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यूएसबी में लगा देंगे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और मदरबोर्ड का डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आपको सेट करना है। तो देखिए अभी आपको नज़र आ रहा है, मदरबोर्ड भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने चालू किया है वो भी आपको दिख रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर को मैंने यहाँ पे लगाया है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में देखिए यहाँ पे एक यूएसबी यूएआरटी एलपीटी बोल के यहाँ पे दिखा रहा है, इसका ड्राइवर नहीं है। तो हम ड्राइवर डालेंगे इसमें, तो इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों मेरे पास, मैंने ऑलरेडी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसका जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, और इस मदरबोर्ड का जो बायोस है बायोस भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी चलिए पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए CH341A सॉफ्टवेयर, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको AS प्रोग्रामर 1.4.1 मिलेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और दोस्तों सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले आपको डाइवर्स जो है यहाँ पे देखिए CH341 डाइवर्स, इसके अंदर जाना है और आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को रन करना है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आपको आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH341WDM.INF ये वाला आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका यूएसबी जो है वो ठीक ठाक लगा है कि नहीं, और आपको यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेस, और यहाँ पे भी देखिए जो येलो कलर का सिंबल आ रहा था वो यहाँ पे हट गया है। अभी आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, इंटरफेस के अंदर आपको ये वाला CH341A आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला काम आपको पहले कर लेना है, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अभी देखिए बैक में जाइएगा और जो AS प्रोग्रामर है इस एप्लीकेशन को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके रन करना है। तो देखिए यही वाला हम लोगों का एप्लीकेशन है,
तो इस एप्लीकेशन में जाके पहले आपको चेक करना है लैंग्वेज, लैंग्वेज आपका इंग्लिश होना चाहिए, और हार्डवेयर में जाके यहाँ पे देख लीजिएगा CH341A सिलेक्ट है कि नहीं, यही दो काम आपको करना है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे जो प्रोग्रामर का केबिल यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, अभी मदरबोर्ड के पिक्चर को देखिए तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से आप बायोस को रीसेट कर सकते हैं, बायोस को मतलब फ्लैश कर सकते हैं, बायोस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो आपको बायोस का चिप निकालना पड़ेगा, जो प्रोग्रामर अलग से मिलता है कि बायोस को आपको निकाल के उस प्रोग्रामर के अंदर में डालना है और तभी जाके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन ये जो USB प्रोग्रामर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके मदद से आप बहुत ही, आप अगर बिगिनर हो मतलब नए तरीके से शुरू करना चाहते हो तो बायोस यहाँ से उठाना मुश्किल काम है और ठीक तरीके से लगाना भी मुश्किल काम है। तो आप इस क्लिप के मदद से ही इस बायोस को प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए चार पिन, यहाँ पे चार चार आठ पिन, यहाँ पे भी चार चार आठ पिन, तो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो आपका अगर उल्टा रहेगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड का लाइट नहीं जल रहा है, तो शायद उल्टा लगा हुआ है, तो हम लोगों को ठीक तरीके से लगाना है। थोड़ा सा नज़दीक लेना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नज़दीक जाके दिखा देता हूँ। देखिए अभी प्रोग्रामर लगाने से ही यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है, लाइट आपका जलना चाहिए दोस्तों, नहीं तो नहीं होगा, मतलब आपका मदरबोर्ड जो है इस प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट हो चुका है तभी जाके आपको ये वाला लाइट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी चलिए अभी हम लोग अभी स्क्रीन में देखिए मैं क्या करता हूँ। अभी देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मैं स्टेप जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वन बाई वन क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको रीड आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका अगर मदरबोर्ड सही तरीके से कनेक्ट हो चुका है तभी जाके आपको रीड आईडी मिलेगा। तो फर्स्ट वाला जो आप लोगों को दिख रहा है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने से देखिए यहाँ पे आपका आईसी जो है, आईसी का मॉडल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो रीड आईडी मैंने कर लिया, इसको क्लोज कर दीजिए। अभी क्या करना है यहाँ पे देखिए रीड आईसी, आईसी को रीड करना है पहले। तो रीड आईसी के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी नीचे देखिए आपको पूरा प्रोसेस दिखाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रीडिंग मेमोरी, मेमोरी को रीड कर रहा है। और ध्यान में रखिए यहाँ पे हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो वहाँ पे कट जाएगा, तो ध्यान में रखिए। और जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो बायोस है इस बायोस को पहले सेव कर लेंगे। अगर मैंने जो इंटरनेट से डाउनलोड किया है वही वाला बायोस प्रोग्राम अगर नहीं चला तो हम फिर से पुराना वाला इसमें डाल सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर दूसरा मदरबोर्ड होगा तो इसका जो बायोस आपने अगर बैकअप लेके रखा हुआ है शायद हो भी सकता है सेम मदरबोर्ड आपके पास आएगा तो उस मदरबोर्ड में ये वाला बायोस दे के आप रन कर सकते हो। मतलब प्रोग्रामिंग आपका अगर घट गया है मतलब डैमेज हो चुका है तभी जाके आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो अभी देखिए फ्लैशिंग कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि हाउ टू फ्लैश मदरबोर्ड बायोस प्रोग्रामिंग यूजिंग CH341A। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आईसी है यहाँ पे रीड कर चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट इसको सेव कर लेंगे, जो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है इस प्रोग्रामिंग को पहले सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है न्यू फोल्डर के अंदर। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक बायोस मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और यहाँ पे
ओल्ड बोल के ओल्ड डॉट बिन बोल के मैंने यहाँ पे देखिए सेव कर लिया है। अभी दोस्तों हम लोगों का बैकअप प्लान जो है वो यहाँ पे हो चुका है। मैंने ऑलरेडी देखिए ओल्ड डॉट बिन मैंने सेव कर लिया है। और इसका साइज़ देखिए दोस्तों, इसका साइज़ जो है 8 MB के आसपास है, और जो मैंने डाउनलोड किया है वो भी 8 MB का सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी क्या करना है, अभी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे देखिए इरेज आईसी, तो हम लोगों को इस प्रोग्रामिंग को इरेज करना है, तो हम इरेज आईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इरेज आईसी, यस। अभी यहाँ पे देखिएगा इरेजिंग मेमोरी दिखा रहा है, देखिए डन हो गया है। एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे शो कर रहा है कितना टाइम मतलब लिया। अभी दोस्तों आप आईसी को अगर रीड करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आईसी को पूरा रिमूव कर दिया है, इरेज कर दिया है, मतलब इस बायोस में अभी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है। और मदरबोर्ड रिपेयरिंग का एक टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जितना सारा पार्ट्स लगा हुआ है अगर फिजिकली डैमेज हो चुका है तो ठीक है, तो उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर डैमेज नहीं हुआ है तो आप नई तरीके से प्रोग्रामिंग करके और उसको नई तरीके से सोल्डरिंग करके आप मदरबोर्ड को रिपेयरिंग कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है अंदर से मतलब ख़राब हो चुका है, मतलब फिजिकल डैमेज अगर नहीं है तो वो वाला रिकवरी हो सकता है, अगर फिजिकल डैमेज होगा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो पूरा नॉलेज कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है ट्यूटोरियल हिंदी में, आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा जाता है लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज आपको कोई भी नहीं देगा। मेरे चैनल पे मेरे वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा और कैसे करना है पूरा हम दिखा देते हैं आप लोगों को। अभी देखिए यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे देख सकते हो। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिए पूरा ब्लैंक ही है, मतलब आईसी पूरा इरेज हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आपको जो बायोस मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको यहाँ पे रीड करना है, मतलब प्रोग्रामिंग करना है। तो इसके लिए हमको जाना है ओपन फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और देखिए ये वाला बायोस मैंने डाउनलोड किया था इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो देखिए ओपन होने के साथ साथ ही यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ अल्फ़ाबेट आपको शो कर रहा है, देखिए नीचे भी आपको शो करेगा, देखिए थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब तो मुझे पता नहीं है, आपको अगर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो प्रोग्रामिंग लोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लोड हो चुका है। अभी इसको राइट करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए प्रोग्राम आईसी। तो अभी प्रोग्राम आईसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, बिगेन प्रोग्रामिंग आपको पूछ रहा है तो यस कीजिएगा। तो अभी देखिए प्रोग्रामिंग इस मदरबोर्ड में राइट हो रहा है, जो नया बायोस मैंने डाउनलोड किया था वही बायोस यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो रहा है, मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है। जैसे हम लोग फाइल फोल्डर कॉपी करते हैं ऐसे ही प्रोग्रामिंग बायोस में कॉपी हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो इसके आगे भी थोड़ा टिप्स देना बाकी है कि कौन कौन सा चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और जाके आगे जाके मैं बताऊंगा। अभी देखिए एक एक करके और नोट कर लीजिए दोस्तों, एक तो आप डायरी में नोट कर सकते हैं और दूसरा आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, आपका जो मदरबोर्ड है उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो जो स्टेप मैंने बोला है उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, तभी जाके आपको मदरबोर्ड रेडी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दोस्तों कमाल का वीडियो है, अभी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए।
तो आप अगर सीख जाओगे तो थोड़ा बहुत अर्निंग भी आपको मिल जाएगा। मतलब मदरबोर्ड रिपेयरिंग ऐसा कुछ टॉप काम नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हो। और जो मैंने पिछला वीडियो डाला था नो डिस्प्ले वाला, कि डिस्प्ले अगर नहीं आ रहा है तो मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करना है, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली बायोस के ऊपर टूट पड़ोगे कि बायोस प्रोग्रामिंग करने से हो जाएगा। बायोस प्रोग्रामिंग आखिर में होता है, तो आपको वो वाला वीडियो देखना है, जो जो स्टेप मैंने उस वीडियो में बोला है, मतलब एक भी छोड़ा नहीं है दोस्तों। सब कुछ उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन सा पार्ट्स को आपको चेक करना है और कितना वोल्टेज वगैरह आना चाहिए, सब कुछ मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए। वो वाला सब स्टेप अगर करने के बाद भी अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो 100% है, मैंने उस वीडियो में बोला है कि आपका बायोस में प्रॉब्लम है, तो बायोस को आपको रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। मतलब फ्लैश, जो भी भाषा आप समझते हो, फ्लैशिंग करना है, राइट करना है, जो भी आप बोल सकते हो, तो उसके बाद जाके होगा, उससे पहले नहीं। आप अगर पहले ही प्रोग्रामिंग कर लोगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और बार बार मत कीजिएगा, एक बार ही कीजिएगा, और सही वेबसाइट से आप खोजिएगा। तो दोस्तों, आपको अगर जानना है कि कैसे हम लोगों को मतलब ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन सा वेबसाइट है, कैसे खोजना है, कैसे सर्च करना है, आपको अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि मुझे कैसे मिल जाता है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर खोजना हो तो फटक से मुझे मिल जाता है। तो मैं ट्रिक्स के मदद से आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पे डन हो चुका है, प्रोग्रामिंग यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। मतलब प्रोग्रामिंग तो आपने डाल दिया, लेकिन आपको वेरीफाई उसके बाद करना है। तो चलिए वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई मेमोरी हो रहा है। तो दोस्तों, कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिससे आपका काम होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब आपको सॉफ्टवेयर तो मिल गया है लेकिन उससे काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर, आपको अगर जानना है, सीखना है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मतलब बायोस हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकता है, कहाँ से मिलेगा, आपको अगर जानना है, सीखना है, तो कॉमेंट सेक्शन में डालना होगा आपको। और लाइक होना चाहिए दोस्तों, 1000 लाइक मैं टारगेट यहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, कमाल का वीडियो होने वाला है। जो भी देखेगा उसका बहुत ही फायदेमंद होगा, मतलब मदरबोर्ड रिपेयरिंग का काम वो कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन में बाकी का पार्ट लिखा हुआ है। नो डिस्प्ले वाला बोर्ड अगर होगा तो ये दो वीडियो देखने से ही आपका काम चल जाएगा। तो 1000 लाइक मैं यहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ, तो आप डालिए, 1000 लाइक कीजिए। और किस किस को मतलब जानना है, कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको कैसे जानना है, कैसे आपको खोजना है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। मतलब रिस्पॉन्स आना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे डन हो चुका है, अभी वेरीफाई भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट स्टेप किया क्या क्या, रीड आईडी, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, रीड आईसी, उसके बाद मैंने क्या किया, इरेज आईसी, उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग किया, उसके बाद मैंने वेरीफाई किया। अभी दोस्तों, आप अगर इसको रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीड करके एक बार देख लीजिए कि जो प्रोग्रामिंग आपने इस बायोस में डाला है वो यहाँ पे सही है कि नहीं, तो एक बार रीड करके देख लीजिए। तो मैंने हर एक स्टेप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, जो मैंने बोल रहा हूँ, जो जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, रीड आईसी एक बार कर लीजिए, तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा कि प्रोग्रामिंग वेरीफाई करने से ही हो जाता है, लेकिन मैं और एक स्टेप आप लोगों को बोलूँगा कि रीड आईसी एक बार कर लीजिए। अभी दोस्तों, 100% मैं आप लोगों को इसमें डिस्प्ले दिखाऊंगा। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग प्लेलिस्ट,
एंटीवायरस प्लेलिस्ट, सीसीटीवी प्लेलिस्ट, कैश कलेक्शन जो मशीन होता है उसका रिपेयरिंग का प्लेलिस्ट, आपका बायोमेट्रिक का प्लेलिस्ट, प्रिंटर रिपेयरिंग प्लेलिस्ट, सब कुछ मैंने करके रखा हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड से निकाल लेंगे। अभी चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मदरबोर्ड को ऑन करके देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे डिस्प्ले। तो डिस्प्ले देखने के साथ साथ ही जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा,